दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में सूर्य ने लगातार 4 छक्के जड़कर और ताबड़तोड़ अर्धशतक बनाकर रचा इतिहास। तो इस पर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज इस वीडियो में, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे खेला जा रहा है, जहां आपको बता दें कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया, जहां पहले तो भारत के लिए अय्यर और गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों की साझेदारी बनाई। गिल ने 104 और अय्यर ने 105 रन बनाए, लेकिन उसके बाद अंतिम के 10 ओवर में जो बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव ने की वो काफी लाजवाब थी। जहां सूर्य ने 44वें ओवर में तो ग्रीन के 4 गेंदों पर 4 छक्के भी जड़ दिए, वहीं युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी बच गया 6 छक्कों का। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें कि सूर्य की इस बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 50 ओवर में 399 रन बनाए, जहां सूर्य ने 37 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली। वहीं सूर्य ने इस पारी के दौरान 6 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव की इस बल्लेबाजी पर क्रिकेट के दिग्गजों ने बड़ा बयान दिया है। तो किसने क्या कहा आइए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुएब अख्तर ने बड़ा बयान दिया, जहां अख्तर ने बात करते हुए कहा कि भारत के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है, हालांकि जरूर इस मैच में पिच बल्लेबाजी के लिए सपोर्टिव थी, लेकिन उसका फायदा भी उठाना जरूरी था, जो कि भारत के बल्लेबाजों ने बखूबी किया भी है। शुरू में गिल और अय्यर ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद लास्ट में आकर जो बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव ने की वो शानदार थी। उनकी बल्लेबाजी को देखकर मजा ही आ गया। उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं बल्कि आयरलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी खेल रहे थे। लेकिन उन्होंने जो 44वें ओवर में ग्रीन को 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए वो काबिले तारीफ था, क्योंकि ऐसा करना आसान नहीं होता, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने। और अब सूर्य ने लगातार 250 बनाकर वर्ल्ड कप के लिए टीम में अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली है। बाकी कुछ भी कहो, सूर्य की बल्लेबाजी को देखकर मुझे ही नहीं बल्कि सभी क्रिकेट के फैंस को काफी आनंद आया होगा। वहीं भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया, जहां गंभीर ने बात करते हुए कहा कि भारत के बल्लेबाजों ने तो ऑस्ट्रेलिया के धागे ही खोल दिए। इस मैच में शुरू में तो जरूर गिल और अय्यर ने शतक जमाया और उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन बीच के कुछ ओवरों में रन भी नहीं आए, जिसके बाद लास्ट में आकर जो फिनिश सूर्य ने किया वो शानदार था। उन्होंने भी अब अपनी जगह के लिए दावेदारी पेश कर दी है। मेरे हिसाब से उनको भारत को वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए, क्योंकि वो भारत के लिए एक मैच फिनिशर साबित हो सकते हैं। बाकी आज यूवी का रिकॉर्ड बच गया, क्योंकि सूर्य आज ग्रीन को 6 छक्के लगा सकते थे, लेकिन वो तो ग्रीन की किस्मत ही अच्छी थी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अब सूर्य ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे और भारत के लिए मैच को फिनिश करेंगे। इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग ने बात करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने काफी खराब गेंदबाजी की है। इस मैच में जरूर बल्लेबाजों के लिए पिच अच्छी थी, लेकिन भारत ने उसका भरपूर फायदा भी उठाया। भारत के हर एक बल्लेबाज ने आज रन बनाए हैं, जो कि टीम की क्वालिटी को दर्शाता है। लेकिन इस मैच में अंतिम के कुछ ओवरों में जो बैटिंग सूर्य ने की उसने सभी का दिल जीत लिया। हालांकि जरूर मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम का प्रशंसक हूं, लेकिन मुझे सूर्य की बैटिंग देखने में काफी आनंद आया है, खास तौर पर जब सूर्य ने ग्रीन को 4 गेंदों में 4 छक्के लगा दिए तो मुझे लगा कि वो आज 6 छक्के लगाएंगे, लेकिन आज युवराज का रिकॉर्ड बच गया। बाकी सूर्य की इस बैटिंग का क्रेडिट कहीं ना कहीं टीम इंडिया के मैनेजमेंट को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने सूर्य को बैक किया है। अगर मैं टीम इंडिया का कप्तान होता तो उनको जरूर अपनी प्लेइंग 11 में रखता। तो दोस्तों क्या सूर्य को वर्ल्ड कप में फिनिशर के तौर पर खिलाना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।